हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुछ। और आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लेकर आए हैं, ऐसे फॉर्मूले जो हर बच्चे को पता होना चाहिए और हर बच्चे को ये फॉर्मूले उसको अपने अदर कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे ले जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, छोटी सी वीडियो है लेकिन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना, कॉन्फिडेंस ही आपकी पावर है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जीत और हार किस पर निर्भर करती है? जीत और हार निर्भर करती है हमारी सोच पर। मान लो तो हार होगी, अगर हमने मन में ठान लिया कि हम हार जाएंगे तो हार होगी, और ठान लिया ना अच्छे से तो जीत होगी। तो हमें हमेशा ठान लेना है कि हम जिस फील्ड में भी जाएं उस फील्ड में हमें अपना पूरा 100% देना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और उसमें हमें विनर होना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि अगर आपको लगातार कुछ नेचुरल नंबर दिए गए हैं, प्राकृतिक संख्या दी गई है, तो उनका सम क्या होगा? तो उनके सम के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एन एन प्लस वन अपॉन टू, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ एन क्या है, आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, और ये कैसे होने चाहिए, आपके कंटिन्यूड होने चाहिए लगातार। जैसे कि सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज, इसका सम क्या है, तो बच्चों आपको इसको लगातार ऐड नहीं करना है, इसके लिए बस आपको काउंट करना है लास्ट वाला नंबर आपका क्या है। लास्ट वाला नंबर क्या है आपका, सिक्स है। सो एन इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, सिक्स, और इस सिक्स को आप इस फॉर्मूले में रखोगे एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये इसका सम होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे क्या मिलेगा आपको, सिक्स इंटू सिक्स प्लस वन सेवन और डिवाइड बाय टू, टू थ्री या सिक्स, सेवन थ्री या ट्वेंटी वन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने इसको सोल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अगर लगातार एन नेचुरल नंबर्स के सम दिए जाएं तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा और इससे आप जो है बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया पहला फॉर्मूला आपको किस तरीके से यूज करना है। मैं इसके लिए अलग एक लेक्चर भी लेकर आऊंगा जिसमें इसी तरह के डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन होंगे और वहां पे आप किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करते हैं ये भी आप लोग जान लोगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपको लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम दिया गया है, सम पूछा गया है, तब आप ये फॉर्मूला फाइंड करोगे, जो कि होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। एन क्या है आपकी, एंथ टर्म, लास्ट वाली टर्म। ठीक है, यानी कि आपको जब सीरीज इस तरीके से दी गई, जैसे आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसका आंसर बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर, आपसे पूछ लिया गया कि बच्चों इसका सम बताओ, इसका सम क्या होगा, तब क्या आप स्क्वायर करने बैठोगे? नहीं, अगर स्क्वायर करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व करना भी मुश्किल होगा, इतनी सारी कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। तब आपको याद आएगा ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता था हमारा एन एन प्लस वन और 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो कितनी आसानी से इसको टफ क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर दोगे। n क्या है हमारा, n मैंने बताया था ये n जो है हमारी लास्ट टर्म होगी ये वाली, तो यहाँ पे n क्या होगा, इसमें आप n को आइडेंटिफाई करोगे तो m क्या है आपका 6 है, ये लास्ट में 6 का स्क्वायर ही तो है लगातार। देखो कंटिन्यूअस होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 6 है तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 6 हो गई। अब ये 6 हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 6 प्लस 1 और 2 इंटू 6 प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। यहाँ पे बच्चों 6 से 6 तो कैंसिल हो गया डायरेक्टली, 6 1 कितना हुआ 7, 6 2 जा 12 और 1 13, 13 7 जा 91। तो इस कंप्लीट सीरीज का जो सम होगा वो आपका क्या होगा, 91 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है। लगातार अगर कोई भी स्क्वायर की सीरीज है तब उसका सम हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बताया ना छोटी सी वीडियो है लेकिन इसमें आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जो आपने कुछ बच्चों ने शायद देखे और कुछ बच्चों ने देखी ना हो, जो उन क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सोल्व करते थे अब उनको वीडियो में सोल्व करेंगे। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर हम आपके शुरू के एन नेचुरल नंबर्स हैं और वो क्यूब में है, उनका सम आपको फाइंड करना है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे सपोज दैट एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें कहा गया वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, इसका सम बताओ क्या होगा।
तो क्या बच्चों, आप पहले क्यूब करोगे फिर उसको सम करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आप देखना है लास्ट वाला नंबर क्या है, 4 का क्यूब है तो n इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। और सम ऑफ द n नेचुरल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 4। n की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, दैट यू देन यू कैन राइट 4 का स्क्वायर और 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 5 25, 4 जा 100, तो ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी 100। तो इस कंप्लीट सीरीज का सम जो है वो आपका 100 होगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन भी से सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम एक पूरा सेशन इसका लेके आएंगे जहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बच्चों नोट भी कर लीजिएगा, ओड का मतलब होता है आपका विषम संख्या, विषम संख्याओं का लगातार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले फॉर्मूले देखते हैं, अगले फॉर्मूले आपको कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको सामने है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन, इवन का मतलब कि सम संख्या है, सम संख्याओं का योग क्या होगा अगर लगातार एन सम संख्या आपको दी गई है। तो अगर एन इवन नंबर्स हैं आपके, लगातार उनका सम होता है, फॉर्मूला हमारा एन एन प्लस वन क्या होता है, एन एन प्लस वन। लाइक आज आपको कोई सीरीज दे दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, और आपसे कहा गया इनका सबका सम फाइंड करो, इन सबका सम क्या होगा, इन सबका योग क्या होगा। तो आप देखो लगातार सम संख्याएं हैं, और लास्ट वाली संख्या क्या आपकी, लास्ट वाला नंबर क्या है आपका, लास्ट वाला नंबर है 12, तो दैट इज दिस इज एन, एन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या है यहाँ पे 12 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ काउंट कर लेना है कि टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर है टोटल आपके, 6 नंबर है। सो एन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ। अब आपको इनका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या था, अगर एन नेचुरल नंबर दिए गए हैं तो इनका सम होता है बच्चों एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन ये टोटल सम होता है। तो यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं हमारे, टोटल इवन नंबर्स हैं हमारे पास 6, तो आप इसमें एन के प्लेस पर क्या रखोगे 6, 6 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, उसका सम कितना होगा आपका 42 होगा। इसी तरीके से आपकी कोई भी सीरीज हो आप आसानी से सम जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द एन ओड नंबर्स, एन ओड नंबर्स का सम क्या होता है, तो जितने भी हमारे ओड नंबर होंगे, जितने भी हमारे ओड नंबर होंगे हम क्या करेंगे उन सब का स्क्वायर कर देंगे और वही हमारा सम होगा। या आपने क्लास 8 में भी फॉर्मूले पढ़े होंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपके साथ में कोई भी हमारा एन नेचुरल ओड नंबर है उनका सम है तो वो इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ ओड नंबर्स। जैसे कि आपका सवाल है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और इन सब का सम आपको बताना क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, इनको काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने नंबर है 7, सो एन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 हो गया। और इनका सम क्या होता है एन स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ये क्या होगा आपका 49, इन सब का सम कितना हो जाएगा 49। इसी तरीके से आप डिफरेंट काइंड की चीज का सभी सम फाइंड कर सकते हो, हो सकता है वो आपको कभी कभी मिक्स करके दे दे, तो इस तरह की चीजें भी आपको दे सकता है। तो हम इसके एक कंप्लीट लेक्चर देंगे जिसमें आपको सारा का सारा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी और सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हार जीत हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। जय हिंद जय भारत।